तेरा तो एक ही डालने हैं जी, कोई मतलब नहीं है दो डालो। अरे मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी है, दांत से खींच ले रे। ले बात तो ये देखे वहां में कोई जहर खुड़ी है तो बड़ो। और भाई बाजार में चिपके हुए पाउडर को निकाल रहे हैं इसके अंदर, इसका रिटर्न करते रहे। अब नहीं दे स्टार्टर खोलन लगो, सब आया आ गई बाजू वाले के घर में और मुंह से कह दो गाड़ी ले गए थे, हमने कही भाई तू आज दे दे हम फिर कहां तक आएंगे, क्यों है मुंह से कहते रहो सब आया ले आए हमने सब आया। जल्दी पक जा, जल्दी पक जा, नहीं तो मैं वो दीपक नाई को लेके आऊं वो करवा दूंगे वो सब आया ले आए। क्यों दीपक का क्या है, दीपक का सफाया से क्या संबंध है? अच्छा हाँ हाँ यार समझ गया, वो डोली पीट देगा कि सफाया आ गई है जल्दी आ जाओ। दीपक बदल वदल के ला रहे बच्चे वाले हैं दोनों में लेंगे 5 एकड़ का बोल रहा था वो। 5 एकड़ का दोनों 5 एकड़ के दो अपन 5 एकड़ की लाए थे ना, कितने एकड़ की दवाई लाए थे? 15 एकड़ की। हाँ मतलब उसने जो 15 एकड़ का डोज दिया, 12 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ का एक, और जो 10 एकड़ का एक, तो 3 नहीं 4 पैकेट है ना, फिर तो 5 पैकेट है भैया, 5 है। अब तो ही हाल पूछ लेते हैं, अब भी हाल पूछ नहीं, आधी अपन पे थी एक पूरी मिलाई। अरे तो लगाओ, अरे मैं दूसरे लगा रहा, चल आ जा। आ रहा बाबा के भाई बंद तो आके तैयार हो भाई, ये घोल बनाते हैं। नहीं गोता मेरे का। हाँ भैया ये जिंक डेडिकेटेड जिंक ये जो है ये कितने एकड़ का है? 500 ग्राम चिली डेड जिंक 18 है, 3 एकड़ का 500 ग्राम। वो राजेश भैया 10 एकड़ की कह रहे हैं, और वो राजेश भैया 10 एकड़ के रहते हैं, 12% है इनकी। हाँ, और 19 प्लस कितने का है एक पैकेट? हाँ एक, अरे यार कितने में जाएगा यार भैया, 150 रुपए का एक किलो 2 एकड़ में। और काय की पूछना अपने को? बस और की बात ही नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। लाया है तो ये कितने ये तो एक का एक है, डाल देना 1 2 3 4 5 डाल दो, 6 बच्चे। ये भैया भैया बच्चे हैं इसलिए डाल रहे हैं हम। अच्छा हाँ, नहीं तो ये हमको शौक नहीं है डालने आने का। ये गौतम भाई ने कही है ये बात, हमारे देखा ये बची चीज है, ये कोई हमारे देख के डाल मत लेना ये। हाँ ये बात सही बता दी भाई, ये है हमको आखिरी स्प्रे पे डालना, ये मेन दवाई है जो हम लास्ट स्प्रे पे डाल रहे हैं। एक तो ये वज्र है जो कि बहुत बढ़िया कीटनाशक है, ये हमें पसंद आया है वज्र, और ये एक जैविक उत्पाद है, देखो इस पे हिंदी में भी लिखा है यहाँ, औषधीय पौधों से निकाला गया प्राकृतिक उत्पाद है ये वज्र। उसके बाद में हम इमिडा क्लोरोपिट डाल रहे हैं 70% वाली, और जो कि मच्छर के लिए है, ठीक है। और ये डाल रहे हैं सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है ये, थायोफेनेट मिथाइल 70% WP। इतनी चीज डालना बहुत जरूरी है, मूंग में तीसरे छिड़काव पे है ना, तीसरा छिड़काव है ना राहुल, उसको रख के बोल यार पहले तो, क्यों तीसरा छिड़काव है ना राहुल? हाँ ये तीसरा और लास्ट छिड़काव है, और इसमें हमारे पास पैकेट बच गए थे 19 के, तो हम ये भी डाले दे रहे हैं, वहाँ से चल के जिंक चिलीटेड बच गया था तो ये भी डाले दे रहे हैं, और हमारे पास
जैबरेलिक एसिड है 40% WSG वाला, तो हम ये भी डाले दे रहे हैं। तो ये तीन चीज डालने के बाद में अपन रिस्पांस देखेंगे अपनी मूंग में कि कैसा आता है। अब मैं आपको मूंग बता देता हूँ, हमारी मूंग इस प्रकार की है कुछ। ये देखिए भाई साहब, इस खेत में पानी हो चुका है, पानी भी तीसरा ही पानी हुआ है और तीसरी बार का दवाई का छिड़काव है। इसमें क्या है कि ये जो इसमें वो अपन ने वो नहीं डाली है, कौन सी वाली अपनी वो जो दोंगली मारने की दवाई थी ना, जिसका अपन ने 10-15 एकड़ में ट्रायल किया था, सेम्प्रा, इसमें सेम्प्रा नहीं डाली थी, दूसरी अपन ने चारा मार डाली थी। पर इसमें क्या है कि मूंग अपनी छोटी रह गई है, और मूंग छोटी रहने के कई कारण होते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल में आप ये मूंग देख सकते हैं, इसमें ये इस तरह से फलियां बन गई है और फूल छिटक रहे हैं, है ना। देखो ये है 7 स्टार, और ये 7 स्टार धान के टाइम से डाल रहे हैं कुछ किसान। इस बार हम भी इसको ट्रायल कर रहे हैं, ईमैक्स क्रॉप साइंस का प्रोडक्ट है ये, और 7 स्टार के अंदर जिंक है 3% में, कॉपर है 0.5% में, मैग्नीशियम है 0.5% में, आयरन है 0.5% में, बोरॉन है 1% में, और मैग्नीज है 0.5% में। तो इसका रिजल्ट मूंग में देखेंगे, पहली बार अभी स्टार्टिंग डाल रहे हैं, मतलब ये जो तीसरा अपना छिड़काव चल रहा है इसमें 7 स्टार का। घुमाना का गौतम वो बेल्ट पकड़ के। अब वापस करो ये।